तो दोस्तों आ गया हूँ एनिमल लवर्स के लिए एक वीडियो और लेकर। तो आज हम लाए हैं ब्रेड। तो जो ब्रेड के पैकेट हैं लगभग 15 से 20 है मेरे पास, और पिछली बार जब मैं लेकर आया था 7 से 8 पैकेट लेकर आया था और वो सारे ख़त्म हो गए थे और अच्छे से सबका पेट भी भर गया था। लेकिन आज ज़्यादा लेकर आया हूँ। अब देखना ये है जो मैं खाना लेकर आया हूँ वो बचता है या सारा ख़त्म हो जाता है। लगता है आज यहाँ पर ये जो ब्रेड के पोल थे ना बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, जैसे मैं इनको खाना खिला दूंगा वैसे ये सारे पैकेट इस पोलथीन के अंदर डाल के सिमेट के मैं ले जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर कूड़ा तो फैला के मैं नहीं जाऊँगा। लो हो गई शुरू ये गुटबंदी। यार ये सबसे गंदा काम लगता है मेरे को इनका। खुद खा ले वही बहुत है, दूसरे को नहीं खाने देना। ये गुटबंदी स्टार्ट कर देते ना तब मन करता है ना अभी फेंक के चला जाऊँ। ये बहुत गंदा काम है इनमें। लेकिन देखो जो इनके गुटके बंदर हैं उनको अच्छे से खाने देंगे। देखिए अब ये खुद नहीं खा रहा है, पता नहीं शायद इनका पेट भरा पड़ा है। अभी यहाँ पर मैंने देखे थे थोड़ी देर पहले केले के छिलके पड़े थे, शायद किसी ने डाले होंगे तो कुछ पेट भरा हुआ इनका, इसलिए शायद आज ज़्यादा नहीं खा रहे, वरना ब्रेड को तो बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं ये। लेकिन आज मेरे को एक बात जरूर लगती है कि आज मेरे को घूम घूम के खाना नहीं खिलाना पड़ेगा, आराम से बैठ के खिला रहा हूँ और ये खा भी रहे हैं अच्छे से। क्योंकि मैंने आज डिसाइड किया है कि पहले एक गुट को ढंग से खाना खिलाऊंगा बैठ के, फिर दूसरे गुट के पास जाऊंगा, और जब इस ग्रुप का पेट भर जाएगा फिर तीसरे ग्रुप के पास। तो ऐसे डिसाइड किया है, धीरे धीरे सभी को खाना बांट के जाऊंगा। पहले इनको बांट देता हूँ और अच्छे से खा भी रहे हैं, क्योंकि इनमें झगड़ा नहीं होगा। एक गुट को खिलाऊंगा तो झगड़ा नहीं होगा, अगर अलग अलग ग्रुप को एक साथ खिलाऊंगा तो दिक्कत हो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, खाना बहुत ज़्यादा अपने पास, आज खाना ख़त्म होने का तो खतरा है नहीं, तो आराम से सबको खिला के जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं इनको खिलाऊँगा और खाना ख़त्म हो जाएगा, दूसरे वाले जो बंदर है वो देखते रहेंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तो पहले इनको खिलाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इन बंदरों को खाना डालते डालते वीडियो बनाते बनाते एक अच्छा काम हो गया है, क्योंकि बहुत से भाइयों के मेरे पास कमेंट है, बहुत से भाइयों ने मेरे को बोला कि आपको देखते हुए हमने भी बंदरों को खाना डालना स्टार्ट कर दिया है। पहले जब हम बंदरों के पास जाते थे हमें लगता था कि ये हमें कोई नुकसान पहुँचा देंगे, तो इसलिए हम डरते थे। लेकिन आपको देख कर हमें लगता है कि ये जो बंदर हैं अगर इनको ढंग से खाना खिलाया जाए तो ये नुकसान नहीं पहुँचाते। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अगर आप इनको अच्छे से खाना खिलाते हैं ढंग से तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ अगर आपको लगता है कि वहाँ पर बंदर के गुट थोड़े ज़्यादा हैं और वो दिक्कत कर देंगे ग्रुप है, तो आप दूर से थोड़ा सा डाल दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन आप खाना खिलाएंगे ये आपको तंग नहीं करेंगे, जैसा कि आप देख ही पा रहे हो। मैं तो जिस वीडियो में भी जाता हूँ मैं आराम से बिल्कुल हाथ से खिलाता हूँ और बैठ के खिलाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये अच्छी आदत है भाई अगर आपने भी डाल ली है। और दोस्तों एक बात मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा जो मैंने पहले वीडियो के अंदर भी बताई थी, कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्या खाना लेके जा रहे हैं, ज़रूरी ये है कि उस खाने से सभी बंदरों का पेट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपसे यही बोलूँगा कि आपको जो चीज़ कम पैसों में ज़्यादा मिलती है और वो अच्छी है जिससे आपको लगता है कि बंदर खा पाएंगे, और तो वो चीज़ आप यहाँ पर लेकर आइए। मेरी कोशिश वही रहती है दोस्तों। अब मान के चलिए पिछली वीडियो में जब मैं टमाटर लेकर आया था इनके लिए, तो एक बात बताइए दोस्तों, टमाटर 20 से 30 रुपये 40 रुपये किलो मिल जाता और बहुत सारा मिल जाता है और सभी का पेट भी भर जाता है, तो उससे अच्छी चीज़ क्या होगी। और रही बात केले की, जिस टाइम पर केला महंगा है क्या जरूरी दोस्तों कि केला उस टाइम पर खिलाना, मतलब आप कोई सस्ता फ्रूट भी तो लेके आ सकते हैं ना, क्योंकि बंदर तो सभी खाते हैं, सब तरह का फ्रूट के खा लेते हैं ऐसे। हाँ ठीक है ये मैं मानता हूँ कि केले को थोड़े से लजीज तरीके से खाते हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसी चीज़ें लेकर आइए जो आप ज़्यादा से ज़्यादा बंदरों को खिला सके। और मेरी तो कोशिश यही रहती है दोस्तों, क्योंकि मेरे को हफ्ते में एक दिन बंदरों को खाना खिलाना होता है, क्योंकि मैंने अब यही डिसाइड किया कि मैं हफ्ते में एक दिन बंदरों के लिए खाना ज़रूर लेके आऊँगा। तो उसके लिए मेरे को कोशिश यही रहती है कि कम पैसों में ज़्यादा खाना आ जाए और मैं वो खाना अच्छे से हर हफ्ते बंदरों को खिला पाऊँ। और दोस्तों वो मेरी बात सही थी,
पहले कोई केले डाल के गया है इनको, तो इस वजह से इनका पेट अभी फिलहाल भरा हुआ है, इसलिए ये ब्रेड को थोड़ा सा खाते हैं और थोड़ा सा फेंक देते हैं। वैसे भी बंदर की आदत होती है, वो आपको उसको कुछ भी दोगे तो बीच से खाएगा और ऊपर ऊपर का फेंक ही देता है, उसको लगता है वो छिलका है, चाहे वो कोई भी चीज़ आप खाने के लिए देते, तो ये इनकी आदत है। लेकिन फिर भी मेरे को लगा नहीं था कि कोई आज खाना डाल के गया होगा, क्योंकि देखो मैंने दोस्तों एक जैसा कि बोला था कि मंगलवार और शनिवार ये दो दिन छोड़ के मैं बंदरों को खाना डालने के लिए आता हूँ, क्योंकि इस दिन बहुत कम चांस होता है कि कोई बंदरों को खाना डालने आए, लेकिन फिर भी आ जाते हैं बहुत से भाई हैं तो अच्छा है। लेकिन आज लगता है इनका पेट पहले से किसी ने भर दिया है, लेकिन अच्छा ही है। लेकिन इनकी एक खास बात मैंने आपको बताई थी कि बंदर जब एक्स्ट्रा खाना होता है तो इनके जो ये मुँह है उसके नीचे एक थैली होती है चिन के नीचे, वो उसमें एक्स्ट्रा खाना रख लेते हैं और जब इनको भूख लगती है उस टाइम पे ये इसको खा लेते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, अगर मैं इनको दे के भी जाऊंगा तो कोई बात नहीं, ये खाना वेस्ट नहीं जाएगा, ये अपनी थैली में रख लेंगे और बाद में फिर उसको खा लेंगे। दोस्तों अच्छी बात ये है कि हमारा सारा खाना बट गया है, मेरे को लगा था बहुत ज़्यादा लेके आया हूँ तो शायद सारा का सारा खाना ना बट पाए, लेकिन मेरा सारा बट गया, एक दो पैकेट ही बचा होगा, वो भी शायद अभी खा ही लेंगे ये। लेकिन इनकी ना जब ज़्यादा खाना हो जाता है ना, बस दिक्कत वही है, ये तोड़ तोड़ के नीचे डाल देते हैं, बस ये गलत हो जाता है। अभी दोस्तों मेरे हाथ में इनको खाना दिख रहा है इसलिए ये तोड़ तोड़ के नीचे डालने हैं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा ये सारा खाना बच जाएगा, तो उसके बाद ये जो बचा हुआ खाना ये छोड़ेंगे नहीं, बाद में सारा खा लेंगे, मेरे को इतना यकीन है। तो अपना खाना बच चुका है तो अब हम भी यहाँ से निकलते हैं।